सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो पंजाब मेल यूएस टीवी। मैं सुखदीप कौर संधू, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। पंजाब मेल खबरों के स्पॉन्सर ने रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा, रियल एस्टेट की दुनिया का मनिया परमनिया नाम। पहला पेश ने चुनवीं खबर। शहीद भगत सिंह के शहीदी दिहाड़े से यूपी उत्तराखंड समेत सारे देश के किसान भरनगे हुंकार। कोविड 19 नियमों की उलंघना करने वाले पुलिस मुलाजम के सेहत विभाग ने लिए कोरोना सैंपल। दोने हंगा ने वड्डे दो एसएचओ दे गुट पिखी वंड, पुलिस ने मुकाबले मगरों दोवे निहंग एनकाउंटर विच मारे। 23 मार्च नूं शहीद भगत सिंह, सुखदेव सिंह ते राजगुरु दा शहीदी दिहाड़ा मनाउण संबंधी तैयारियां नूं लैके कीती मीटिंग। मंत्री साधु सिंह धर्मसोत वल्लों रियासती शहर नाभा दे उसारी अधीन 5 गेटां दा लिया जायजा। बिजली सप्लाई ना मिलन कारण अक्के किसानां ने करता रोड जाम। हुण खबरां विस्थार नाल। मार्च में शहीद भगत सिंह के शहीदी दिहाड़े मौके यूपी गेट विखे यूपी अंदोलन विच किसान अंदोलन पछमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नौजवान किसानों के खेतीबाड़ी कानूनों का विरोध करेंगे। हैंडल जट्टा प्रोग्राम तहत लहर नूं यूथ दस्तार संभालेंगे। किसानों की वधदी गिणती के मद्देनजर यूपी गेट विखे अंदोलन वाली थां ते तंबू लगाउण दीआं तिहारियां तेज हो गई हैं। इस तो इलावा बारिश तो बचने लिए किसानों ने टेंटा नेड़े पक्कियां नालियां बनाने की तैयारियां भी कर ली हैं। इस दे नाल ही एतवार नूं पंचायत दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे ते हुई है। इस विच राष्ट्रीय प्रधान ऋषिपाल अंबवता ने अहुदेदारां नूं कानूनां विरुद्ध लहर की लड़ाई नूं होर मजबूत करन दा सद्दा दित्ता है। गाजीपुर किसान अंदोलन कमेटी के बुलारे जगतार सिंह बाजवा ने दस्सिया कि नौजवान 23 मार्च नूं शहीद भगत सिंह की बरसी मौके आयोजित दस्तार हैंडल जट्टा प्रोग्राम लई यूपी गेट विखे आने शुरू हो गए हैं। वड्डी गिणती विच नौजवान उत्तराखंड अते पछमी उत्तर प्रदेश तो आउणगे। नौजवान किसान उत्तराखंड के तराई खेतरां तो आना शुरू कर चुके हैं। खप्पा तो भी नौजवानों उत्साहित करने लिए किसान आउणगे। इसकी तैयारी जोरां शोरां नाल चल रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को कहा जा रहा है जेकर उन्होंने रस्ते विच किधरे रोकिया गया तो वह उत्थे धरने ते बैठन। एक पासे जिथे सूबे विच कोरोना दे मामले तेजी नाल वध रहे हैं, उत्थे सरकार वल्लों कई जिलियां विच रात दे करफ्यू दे नाल नाल कई पाबंदियां लगाईयां गईयां हन। इस दे नाल ही पुलिस नूं भी कोविड 19 नियमां दी उलंघना करन वालियां खिलाफ सख्त कार्रवाई लई भी कहा गया है। पर मुख्यमंत्री दे शहर पटियाला विच एक पुलिस मुलाजम नूं कोविड 19 नियमां दी उलंघना करदा पाया गया, जिस तों बाद सेहत विभाग दी टीम ने उस मुलाजम नूं रोक के उसदा कोरोना टैस्ट लिया। भारत नूं हवालगी दीआं कोशिशां नाल संबंधित कुछ हाई प्रोफाइल केसां ते कुछ अजिहे केस जिन्हां बारे बहुत घट लोकां नूं पता है ते भारत विच कानूनी दाबपेश तों बचण लई यूके नूं क्यों सब तों सुरक्षित थां मन्निया जांदा है, अजिहे ही कुछ होर अहम तत्थां तों पर्दा चुकदी है। एस्केप ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्यूजिटिविज इन लंडन नां दी नवी किताब। इस किताब विच 12 अजिहे केसां दा जिक्र है जिन्हां विच बैंकां नाल धोखाधड़ी, कतल अजिहे अपराधां लई भारत विच लोड़ींदे मुलजम यूके विच जा लुके हन। लंडन आधारित पत्रकारां ते खोजार्थियां दानिश ते रूही खान वल्लों लिखी इस किताब विच किंगफिशर एयरलाइन दे साबका बॉन्स विजय मालिया ते हीरा व्यापारी नीरव मोदी जो धोखाधड़ी दे मनी लॉन्ड्रिंग दे दोषां तहत भारत विच लोड़ींदे हन दावे जिक्र किया गया है। किताब विच भारतीय जल सेना दे साबका अधिकारी रवि शंकरन ते संगीत साज नदीम सैफी जिहे कुछ इतिहासक केसां दा वेरवा भी दर्ज है। दानिश खान ने कहा है कि इन्हां 12 केसां नूं दोषां दी महत्ता ते सुनवाई दौरान होई दिलचस्प जिरा ते फैसलियां दौरान कीतियां गईयां टिप्पणियां दे आधार ते शामिल कीता गया है। उन्हें कहा है कि असीं सुपुरदगी नाल संबंधित केसां दा बहुत विस्थार च अध्ययन कीता सी। किताब दे आखिरी अध्याय विच हवालगी दे अमल नाल जुड़े सिधांतां दी बेहतर समझ विकसित करन लई जिथे माहिरां नाल लंबियां इंटरव्यूज़ कीतियां गईयां उठे केस नाल जुड़े कानून दे संसदी रिपोर्टां दी भी मदद लई गई है। अमरीकी सूबे जॉर्जिया दी राजधानी अटलांटा विच हाल ही च एक बंदूकधारी वल्लों लोकां दी कीती हत्या खिलाफ रोस प्रगटाया गया है। रोस रैलियां दौरान लोकां ने नस्लवाद, प्रवासियां ते औरतां प्रति नफरती भाव रखण वालियां विरुद्ध आवाज़ बुलंद कीती है। जिक्रयोग है कि अटलांटा विच कुछ दिन पहलां गोरे बंदूकधारी ने एशियाई भाईचारे नूं निशाना बणाउंदियां कई औरतां दी हत्या कर दित्ती है। अटलांटा दे लिबर्टी प्लाजा विच वख-वख उमर वर्ग नस्लां ते पिछोकड़ वाले सैकड़े लोग इकट्ठे हुए ने। अमरीका विच होरना थावां उत्ते भी रोस रैलियां होईयां ने।
अटलांटा विच अमरीकी सैनेटर राफेल वारनॉक ने कहा है कि एशियाई भैणा भरावां दा दुख देख रहे हैं ते उन्हां दे नाल खड़े हैं। 21 साला रॉबर्ट आरॉन लोंग ते चिरोकी काउंटी दे एक स्पा दे एक होर थां ते 8 लोकां दी हत्या करन दा दोष लगाया गया। मारे गए 8 जणियां विचों 6 एशियाई मूल दीआं औरतां सन। नदेड़ साहिब हजूर साहिब विखे कतल करके आए दोनों हिंगा दा भिखीविंड पुलिस ने किया एनकाउंटर। इस तो पहला दोहां निहंगा नूं जदों पुलिस ने काबू करना चाहिया तां निहंगा ने किरपाना नाल पुलिस दे हमला कर दिता, जिस विच SHO नरिंदर सिंह ढोटी अते SHO वलटोहा बलविंदर सिंह दे गुट वंडे गए ने। जिस तो बाद जदों उन्हां DSP राजबीर सिंह ते हमला कीता तां पुलिस वल्लों चलाई गई गोली नाल दोहां निहंगां दी मौके ते मौत हो गई। SSP तरनतारन घटना स्थान ते मौके ते पहुंच के दोहां SHO नूं अमृतसर विखे इलाज लई भेजिया गया। दस्या जा रहा है कि नदेड़ साहिब विखे संतोख सिंह नामक दा इन्हां दोहां वल्लों कतल कीता गया, जो कि इत्थों कतल करके इत्थे आके सिंघपुरा विखे लुके हुए सन, जो कि नरदेड़ साहिब तों आए किसी संगत दे व्यक्ति वल्लों इन्हां दी पछाण करके जद पुलिस नूं जानकारी दित्ती गई तां पुलिस वल्लों कार्रवाई करदिआं इन्हां नूं काबू करन दी कोशिश कीती गई। तां जदों अगों निहंग सिंघां वल्लों पुलिस ते हमला कीता गया तां जवाबी कार्रवाई करदिआं पुलिस ने एनकाउंटर विच इन्हां दोनों निहंगां नूं ढेर कर दिता। सानूं इक कल क्राइम ब्रांच नांदेड़ तों कल राती इक इनफॉर्मेशन आई सी, उत्थे इक डेरा हेड हैगे बाबा संतोख सिंह, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੋ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ PS ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਸੀ 302-34 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ FIR ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਜੋ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸੁਰਸੰਗ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤੀ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਸਣ, ਵਿਥ ਇੱਕ 4 ਫੀਟ ਦਾ ਖੰਡਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿਰਪਾਨ ਔਰ ਦੂਜਾ ਦੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥੂਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 23 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਰੀ ਆ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਨਾਭੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ, ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਨਾਭਾ ਹਲਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨਾਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ 5 ਗੇਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਭੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌੜਾ ਗੇਟ, ਮਹਿਸ ਗੇਟ, ਲਾਹੌਰਾਂ ਗੇਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਗੇਟ, ਦੁਲੱਦੀ ਗੇਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 5 ਗੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਗੇਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਾਭੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਾਭਾ ਗੇ ਆਪਣਾ ਬੌੜਾ ਗੇਟ, ਲਾਹੌਰਾਂ ਗੇਟ, ਦੁਲੱਦੀ ਗੇਟ, ਆਪਣਾ ਮਹਿਸ ਗੇਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਗੇਟ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੌੜਾ ਗੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਗੇਟ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 5 ਗੇਟ ਬਣਾਉਣੇ ਨਾਲ ਗੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਬਣ ਜਾਣੇ।
श्री मुक्तसर साहिब विखे वख वख पिंडां दे किसानां वल्लों खेती नूं बिजली मोटर सप्लाई ना मिलण कारण सब स्टेशन पिंड लुभाणिया वाली दा घिराओ कीता गया अते नारेबाजी भी की गई है। अके हुए किसानां ने रोड जाम भी किया अते बिजली महकमे खिलाफ जम के कड्डी पड़ास। इस समय किसानां ने दस्सिया है कि उन्हां दे खेतां नूं जाण वाली बिजली मोटर सप्लाई कई दिनों तो बंद है अते बिजली 7 दिनों दे विच्चों सिर्फ 3 तो 4 घंटे ही छड्डी जांदी है अते उस तो बाद खेतां वाली बिजली मोटरां दी सप्लाई नहीं दित्ती जांदी। उन्होंने कहा है कि पानी ना मिलने कारण साडियां कणकां दीआं फसलां सुकियां शुरू हो गई हैं जिस दा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है जिस करके मजबूरन धरना देना पै रहा। उधर दूसरे पासे संबंधित महकमे दे SDO ने दस्या है कि कुछ दिनों तो थर्मल बंद होने करके बिजली बंद सी। साडी उच्च अधिकारियों नाल गलबात हो चुकी है, जल्दी ही इन्हां दीआं मोटरां वाली बिजली सप्लाई दित्ती जाएगी। कारण साडा ये है कि 7 दिनों तो साडी AP जिहड़ी कि मोटरां वाली सप्लाई हुंदी आ 7 दिनों दे विच 3 घंटे चली है। हुण जिवें कि तुहानूं पता किन्नी गर्मी पै रही है, हरेक की फसल नूं पानी की लोड़ आ। जे उहनां नूं 2 दिनों दे विच विच भी पानी ना लग्गिया तां हरेक की फसल सुक जूगी। रोड जाम असीं इस करके कीता जी क्योंकि सानूं 1 हफ्ता हो गया भी लाइट की सप्लाई साडी जमा नहीं आ रही। ठीक है, जदों एक इन्हां ने मैसेज ग्रुप बनाया हो बिजली महकमे ने भी लाइट आ गई है सप्लाई सानू मैसेज कर देंदे आ पर उनकी लाइट चल नहीं रही। जे आके असी सानू अज लगातार 4 दिन हो गए आ SDO साहब नूं आके मिले असी भी साडी लाइट नहीं चलदी। सानू इत्थे कहन दे लारा ला के भी तुसीं अज तुहाडी सप्लाई 11:30 चला देंगे। सानू लगातार 4 दिन हो गए असी डेली आउंदे सानू कदी 4 बजे कहन दे आ कदी 11 बजे कहन दे कदी 9:30 बजे कहन दे आ क्योंकि साडी जिहड़ी कणक आ उह जमा मची पई आ। जे मान लो 2 दिन उहनूं पानी ना लाया जाऊगा ते जदों इह सप्लाई देणगे आपदी मर्जी नाल उदों उह लाइट साडी कणकां नूं अग लाऊगी कोई पानी नहीं लगना। किसान भरावां नूं जो मोटरां दी सप्लाई है मिलदी रही पिछले हफ्ते तो लगभग इहदा इक कारण सी साडे थर्मल दे यूनिट बंद पए सी। साडे उपरा अफसरां नाल गल हो चुकी है, अज शाम तक सप्लाई नॉर्मल हो जूगी थर्मलां दी और कल वाले दिन वाले ग्रुप च सारे सप्लाई सही होगी। लुधियाना पुलिस नूं एक वड्डी कामयाबी हासिल हुई है। महंगीआं गड्डियां चोरी करके उन्हां उपर जाली नंबर लगा के वेचण वाले गिरोह दे 2 मैंबरां नूं काबू कीता गया है जिस विच लुधियाना दे रहण वाले 2 नौजवानां नूं गिरफ्तार कीता गया जिन्हां विचों एक पार्किंग मालिक वी सी कि इह लोक कबाड़िए कोलों गड्डियां दी RC खरीद के चोरी दी गड्डी उपर दूजी नंबर प्लेट लगा के अते चैसी नंबर बदल के गड्डियां नूं महंगे भाव विच वेच दिंदे सन। पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने जानकारी दिंदे हुए दस्सिया है कि लुधियाना पुलिस द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिन्हों का संबंध महंगी गड्डियां चोरी करने वाले गिरोह नाल है जो कि कबाड़िए तो RC खरीद के नंबर बदल के चोरी की गड्डी महंगे भाव वेचते सन। इन्हों विचों एक व्यक्ति की अपनी पार्किंग है जिसनों ये गड्डिया लुकाउण वास्ते वरतते सन। इन्हों को 16 के करीब गड्डिया बरामद की गई हैं। पुछगिछ दौरान होर खुलासे होने की संभावना है। लुधियाना पुलिस ने जिहड़े गड्डिया चोरी करने वाला गैंग है उसके खिलाफ एक विशेष मुहिम चलाई जी जिदे विच CIA स्टाफ की टीम नू एक सफलता हासिल हुई। एक गैंग जो कि चोरी की गड्डिया नू पहले चोरी करता सी वख वख स्टेटा तो उस तो बाद उन्हां गड्डिया के उपर जाली नंबर प्लेट लगा के इंजन नंबर चैसिस नंबर उन्हों का चेंज करके जिहड़ी गड्डियां टोटल लॉस वाली होंदी सीगियां उन्हां दी RC वरत के उन्हां नूं अगे बेच देंदे सी। ये गैंग गड्डियां नूं लुकाउण लई जिहड़ी पार्किंग हुंदियां है उन्हां पार्किंगां दे विच ये गड्डियां नूं खड़ी करा देंदे सी ताकि पुलिस की नज़र उन्हां तक ना पवे। ये ग्राहक जदों भी इन्हां नूं टकरा जांदा सी उह पार्किंग लॉट तों ही सिद्धी गड्डी नूं चुकवा देंदे सी। केंद्र सरकार के खेतीबाड़ी कानूनों खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चे वालों 24 मार्च को अनाज मंडी सरहंद विखे किए जाने वाली महा किसान मजदूर रैली वाली थान का फतेहगढ़ साहब की जिला पुलिस मुखी अमनीत कौंडल द्वारा जायजा लिया गया है अते संयुक्त किसान मोर्चे के किसान आगुआ नाल प्रबंधा संबंधी मीटिंग की गई है। इस मौके पत्रकारों नाल गलबात करदिया SSP कौंडल ने कहा है कि किसान रैली दौरान सुरक्षा प्रबंधा नूं यकीनी बनाने लई उन्हां द्वारा सरहंद मंडी का दौरा किया गया अते उन्हां दी टीम वालों पार्किंग ते होर अगेते प्रबंधा लई किसान आगुआं नाल मीटिंगां कीतियां जा रहियां हन तां जो किसान महारैली नूं बाखूबी नेपरे चढ़ाया जा सके। इस मौके उन्हां किसानां नूं COVID-19 तों बचा लई सेहत विभाग दे निर्देशां दी पालना करन लई वी कहा गया। 24 तरीक नूं अनाज मंडी सरहंद च किसान महापंचायत प्लान कीती गई है। अज मैं और मेरी फतेहगढ़ पुलिस दी टीम असी स्पॉट विजिट करन आई सी अपने सिक्योरिटी एंगल तों कि असी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने
प्लस इन्हों जी लोकल लीडरशिप है उन्होंने भी असी गल की है, प्लस उन्होंने डिस्कशन भी की है भी कोविड को जरूर ध्यान च रखो, तुसी अपने वालों भी अपील करो कि सारे सोशल डिस्टेंस रखन, मास्क जरूर पा के आन। एंड इन्होंने भी सानू अश्योर किया कि असी हुण तो ही सारे अपील करांगे एंड वील ट्राई आवर बेस्ट के सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होए। जिला फतेहगढ़ साहिब च एक नोवा कार अचानक बेकाबू हो गई ते सरहंद जीटी रोड मुख सड़क ते स्थित मुख फ्लाईओवर तो सर्विस रोड ते गड्डी डिग गई, जिस विच एक दी मौत हो गई है ते एक गंभीर रूप विच जख्मी हो गया। कार सवार व्यक्तियां दी पछाण मोहित राठी ते विशाल ग्रोवर निवासी करनाल वजों हुई है, जो रिश्तेदार दसे जा रहे हैं। इस हादसे विच मोहित दी मौत हो गई है ते जख्मी विशाल नूं मुढ़ली सहायता तो बाद सरकारी हस्पताल पटियाला विखे रैफर कर दिता गया। यह हादसा बहुत ही ज्यादा भयानक सी। अधिकार विच फसे सारे लोगों नूं स्थानक लोगों ने काफ़ी मुशक्कत तो बाद बाहर कढ़िया अते बुरी तरह जख्मी हो गए अते दोवां नूं इलाज लई सिविल हस्पताल फतेहगढ़ साहिब विखे लिजाया गया। मिली जानकारी ते थाणा सरहंद दे ASI अमरजीत सिंह ने दस्या है कि उक्त कार नंबर HR05AY0025 मंडी गोबिंदवाल वाले पासे तो करनाल वल जा रही सी अते सरहंद दे नेड़े मुख फ्लाईओवर ते बेकाबू सर्विस रोड ते पखराट खा रहे सन। पुलिस ने मौके ते घटना दी जांच शुरू कर दिती है ते मृतक देह नूं पोस्टमार्टम लई मुर्दा घर विच रखवा दिता गया। पता लगा कि अपने मेन हाईवे ते सरहंद बस स्टैंड दे पुराने बस स्टैंड दे नजदीक ਗੱਡੀ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ, ਉੱਪਰੋਂ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਹਿਤ ਰਾਠੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰੋਵਰ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕੁਛ ਕੀ ਨਾਮ? ਹਾਂ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜੀ? ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਜਿੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੈਫਰ। ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੋਹਿਤ ਰਾਠੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ 26 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 26 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ 20 ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਈਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਆਉਣਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਧੰਨਵਾਦ।